अदारा रेडियो स्पाइस वालों एक बार आप सब का फिर स्वागत है। अज गल करांगे 25 अप्रैल यानी कि एनजैक डे। इस दिन तुर्की के शहर गालापोली के न्यूजीलैंड आस्ट्रेलिया दी सांझियां फौजा लैंड होंदियां ने। सो इस दिन मिर्त के एनजैक डे मनाया जाता है। तो न्यूजीलैंड पंजाबियों वालों पहली इस जंग दे विच हिस्सा लैण वाला फौजी यानी कि जग सिंह 1914 दे विच इस फौज में भर्ती होंदा है। जग सिंह की जे गल करिए तो जग सिंह 1913 दे विच न्यूजीलैंड आता है। तो इस तो पहला वह 5 साल इंडियन ब्रिटिश आर्मी दे विच सेवावां दे चुका होंदा है। तो वह 2 जून 1913 नूं इत्थे पहुँचता है। जब वह इत्थे पहुँचता है तो उसकी उम्र सिर्फ 25 साल है। तो एज ए लेबर के तौर पर वह इत्थे काम कर रहा होंदा है। तो वह लवोका यानी कि फिजी के एक वक्रे आइलैंड तो इत्थे पहुँचता है। तो शिप का नाम नाउवा होंदा है। जिवें आपां जाणदे हां कि 1913 तो बाद हुई इमीग्रेशन चेंजेस के फिजी राही काफ़ी पंजाबी या भारतीय पहुँचे सन। तो हुण गल करदे हां उसकी फौजी जीवन बारे। जग सिंह जो कि तकरीबन 5 साल न्यूजीलैंड की फौज के सेवावां दिंदा है। एनजेड आर्काइव के रिकॉर्ड के अनुसार जब वह भर्ती होंदा एज ए लेबर के तौर पर ही जाने जाता है, पर वह घोड़िया जाने के एक घोड़ा चलाने के माहर होने तड़के उन्होंने घोड़े वाली फौज के ही रखा जाता है। तो उसके एड्रैस के भी उसका विलेज शंकर जो कि लुधियाने ही लिखा जाता है। तो उस बाप का नाम सवर्ण सिंह लिखा जाता है। हो सकता है भी थोड़ी बहुत दसण या लिखण के गलती हो सकती है, पर फिर भी उस खास मैनशन आता भी कितने कितने लड़िया है। जिमें कि इजिप्त 1915 तो 1916 लड़ता है। तो 1915 गालापोली के हुई लड़ाई के भी हिस्सा लेंदा है। तो इस रिकॉर्ड के भी लिखा जाता है कि उसनू ब्रिटिश वॉर मैडल तो विक्टरी मैडल के अवार्ड के नाल नवाजा जाता है। तो इस तो अगर जो गल करिए भी उसके होर रिकॉर्ड की, तो उसके मैडिकल का एक फॉर्म भी लगा है जिस विच मिलता है भी कितने कितने वह जख्मी होंदा है। तो जे आप मैडिकल की उसकी गल कर दी है तो वह 2 बार जंग के जख्मी होंदा है। पहली बार 8 अगस्त 1915 तुर्की के शहर में जिथे एक गन शॉट लगता है तो लत के हेठले जोड़ के सट लगती है, पर उसका बचाव हो जाता। उदू बाद अगस्त तो बाद 1 अक्तूबर यानी कि 1915 के इजिप्त एक बुलेट के पैर के लगता है, पर फिर भी उसका बचाव हो जाता है। जग सिंह का बहुता रिकॉर्ड पहला अणगौलिया ही रहा गया, पर हौली हौली जिदा खोजकारा ने लभ्या है तो फिर उसकी उस टाइम के पेपर पास्ट के जे आप खोज करिए तो उस टाइम दपदी अखबारों के उसका चर्चा आता है। जिमें कि साउथ साउथलैंड टाइम के 28 अगस्त 1915 उसका रिकॉर्ड मिलता है। फिर हीरो ऑफ गालापोली के भी उसका रिकॉर्ड मिलता है जो कि 1915 छपदियाँ जो कि लगातार छपदियाँ तो रिकॉर्ड नालों नाल इकट्ठा होंगे। तो उस तो बाद जो आप गल करिए भी किताबों के उसका मैंशन दूजी बार जो आप गल करिए 23 नवंबर 1918 आता है जो कि एक प्रसिद्ध लैफ्टिनेंट कर्नल जेम्स ने लिखी है। उसका पूरा नाम जो आप गल करिए कर्नल जेम्स नील सी मैकरॉल। तो उसने अपनी किताब के मैंशन किया है कि जब तुर्की के लड़ रहे सन तो तुर्की दी फौजां उन्होंने काफ़ी नज़दीक आ गई सन, पर फिर भी इस भर गोलियां के भरते मीह के किसी ना किस तरह अपनी जान बचाता है। तो इस समय जग सिंह ही है जो कि उसका गवाचा घोड़ा लभ के उसे खोल लिया है। तो सिर्फ वह मूवमेंटा के हिसाब ना ही बचता है। तो इस दे विच उसकी शलाघा करता है भी किवें उसने उसकी जान बचाई है। तो द न्यूजीलैंड माउंटेन राइफल ब्रिगेड जो कि उस टाइम काफ़ी प्रसिद्ध मनी जाती सी जो कि आप कह सकते हैं भी एक घोड़ा चालक फौज सी। तो वो 1914 से 1919 तक काफ़ी एक्टिव रही है। तो उसका खास मैंशन भी आता है गूगल के। सो इस वधेरे जानकारी होर भी लभ सकते हो। तो फिलहाल असी इत्थे समाप्ति करते हैं। यह सारी जानकारी एनजेड आर्काइव के रिकॉर्ड तो लैन एंड क्रिस्टल जोर्डन दे आर्टिकल्स तो आप जी ने साझी कर रहे थे आर इंडियन एंड एथनिक मिनोरिटी के। आप सब का धन्यवाद।